बहुत खुश हूँ. आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन. हमारी फिल्म को बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है सैन फ्रांसिस्को ग्लोबल फिल्म फेस्ट में, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत हाई पॉइंट है. हमारे लिए ये विक्ट्री है कि हम कश्मीर के मुद्दे को, जो एक हिंदुस्तानी मुद्दा है, उसे दुनिया तक और हिंदुस्तानियों तक तो ऑफकोर्स पहुँचाना चाहते थे, और ये मुद्दा थैंकफुली लोगों तक पहुँच रहा है. एंड ये अवार्ड इस बात का सबूत है कि पीपल अप्रिशिएट सेंसिबल सिनेमा, सिनेमा विद अ मैसेज. एंड हमारी सबसे बड़ी और पहली विक्ट्री यही है. एंड आई होप, विश एंड प्रे के जिस तरीके से फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को रिसीव किया गया है, आई होप आप लोग, हमारी प्यारी इंडियन जनता, इंडियन ऑडियंस भी इसे उसी तरह रिसीव करें. थैंक यू वेरी मच. मैं बहुत खुश हूँ चूँकि ऑफकोर्स कश्मीर इज़ नोन एज पैराडाइज ऑन अर्थ, तो हम खूबसूरती के साथ वहाँ के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहे हैं. एंड सब जगह हमने जहाँ जहाँ फिल्म दिखाई है, स्पेशल स्क्रीनिंग्स की है, लंदन, जर्मनी, कनाडा, और अब ये सैन फ्रांसिस्को ग्लोबल फिल्म फेस्ट, सब जगह फिल्म को इतना अप्रिसिएशन मिला है. मतलब लोग इस मुद्दे को सीरियसली ले रहे हैं, और इसके साथ साथ हम जम्मू एंड कश्मीर की ब्यूटी भी बता पा रहे हैं, जिससे वी आर एक्सपेक्टिंग कि होपफुली पीपल विल स्टार्ट रिटर्निंग टू कश्मीर. इट विल वंस अगेन बिकम पैराडाइज एंड इट विल बूस्ट द टूरिज्म एंड इन टर्न द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एज वेल इन व्हाटएवर प्रोपोर्शंस. कश्मीर में शूट की है फिल्म हमने, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया है. लोगों का जो कश्मीर को लेके परसेप्शन है कि बहुत वायलेंस है और वहाँ तो जा ही नहीं सकते, ऐसा कुछ है नहीं. बिकॉज जब हम वहाँ पे गए, इनफैक्ट द मिलिट्री मैन, द पीपल देयर, दे वर वेरी हेल्पफुल, और सारे लोगों ने मिल के हमारी यूनिट को इतना कंफर्टेबल किया कि हमें लग ही नहीं रहा था कि ये कोई सेंसिटिव एरिया है. हमें लग रहा था कि दिस इज़ जस्ट अनदर सिटी दैट वी आर शूटिंग. तो इट वॉज़ ब्यूटिफुल. हाँ भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, बिकॉज मैं एक जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही हूँ, तो बड़ा मुश्किल होता है टू प्ले अ जर्नलिस्ट, यू नो, बिकॉज मेरा कैरेक्टर फिल्म में इज़ वेरी लाउड एंड वेरी बोल्ड, यू नो, शी इज़ अ वुमन हु इज़ नॉट स्केयर्ड ऑफ एनी वन, वो पुलिस से भी बात करने में दो बार सोचती नहीं है. शी जस्ट गोज इन, किसी की भी ऑफिस में घुस जाएगी, शी जस्ट बार जिन. तो वैसा कैरेक्टर और मैं पर्सनल लाइफ में वैसी हूँ नहीं, तो मेरे लिए थोड़ा सा इनिशियली मुश्किल था, बट बाद में यू नो व्हेन वंस आई गॉट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, फिर लेट्स सी नाउ लोग क्या कहते हैं कैरेक्टर फिल्म देख के. चीज़ ज़रूर कहूँगी, जर्नलिस्ट्स आर वेरी करेजियस पीपल एंड ब्रेव पीपल. आई मीन टू गो एंड शूट वॉर, दैट्स लाइव, यू नो, नोबडी कैन डू दैट, सो हैट्स ऑफ टू देम. और आफ्टर प्लेइंग अ जर्नलिस्ट ऑन स्क्रीन इज when I realized ki ye, you know, you need guts to be a journalist, so hats off to them. Think to, you know, aajkal achhi performance har ek actor deta hai, aajkal achhi performance har kisi ka hota hai, but the USP of the film is, this film is not just about the violence that happens in Kashmir, this film is about a common Kashmiri, you know, jo war ke after effects hote hain kashmiriyon par. Hum hamesha ek film banate hain jo, you know, war pe ban gaye hamare heroes, hum jeet gaye, you know, India versus Pakistan, India wins the war, but what happens post the war is what our film is all about, you know. War finishes, but the after effects of the war remain. So that, I think that is the USP of our film. Finally, audience, क्या कहना चाहेंगे? तीन award आपकी झोली में already आ गए हैं. जी, this was really unexpected. San Francisco Global Film Festival में 600 पिक्चरों में से Identity Card को best film, best director, best supporting actor का award मिला. It's very overwhelming, you know, because when we started, we all believed in the film. But today it feels very good to see that along with us, entire world is believing in this film. So it's very overwhelming and it feels really good. बेसिकली जो कॉसेस होते हैं, मैं उनको बहुत सपोर्ट करती हूँ. जैसे कि मेरा खुद का गाना था ढोल का पोल या जागो इंडिया, वो सब इन्हीं समस्या के ऊपर था कि जो देश में हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, और कैसे जागरूकता पैदा की जाए जनता में, आवाम में. और अभी भी मैंने जो गीत लिखे हैं इसी टाइप के हैं. तो चूँकि ये फिल्म इन मुद्दों से जुड़ी हुई है, या इस मुद्दे से जुड़ी हुई है, ठीक से कहूँ तो, सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी. और इस तरह की फिल्में और बननी चाहिए, और इसको तो बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, 3-4 अवार्ड्स मिल चुके हैं. एंड आई हैवन सीन द फिल्म एज येट, बट देन जिस फिल्म को इतने अवार्ड्स मिल चुके हैं, और मैं सब्जेक्ट जानती हूँ, सुना है बहुत से लोगों से इसके बारे में सुना है, एंड इट हैज़ टू बी गुड, बिकॉज आपने कोई मुद्दा उठाया है, उसको लेके चले हैं, तो पहले इटसेल्फ उसी में आपकी सफलता है, उसी में आपकी जीत है, कि आप किसी मुद्दे को लेकर के बढ़ रहे हैं, आवाम का उनको जागरूक कर रहे हैं, उनमें जागरूकता पैदा कर रहे हैं. शुक्रिया है कि आप,
किसी सौरभ जी के साथ तो मैंने काम किया है, एक सीरियल किया था मैंने तहकीकात करके, उनके साथ मैंने काफ़ी सारा काम किया है और ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड वेरी गुड राइटर, ही इज़ ब्रिलियंट ओके, एंड मुझे उम्मीद है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया होगा और पूरी टीम ने, चूँकि इतने अवार्ड ऐसे तो नहीं मिल जाते, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड फिल्म एंड आफ्टर आई सी द फिल्म एंड देन आई लेट यू नो दैट व्हाट आई फेल्ट अबाउट इट.